हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरा छोटा सा पूजा का स्थान, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और आप भी ले लीजिए आरती, मैंने पूजा कर ली है। सुबह का टाइम हो रहा है, पसीना देख सकते हैं आप सब क्योंकि फ़ैन बंद करके रखा है। और देखिए ये मेरा छोटा सा मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। ये देखिए जैसा भी है दिल से बनाया है तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मैं यहीं पे पूजा करती हूँ पहले से, मंदिर भी नहीं है। मंदिर लेंगे तो कहाँ लगाए, इसलिए मैंने ऐसे ये फट्टा लकड़ी का लगा के उसी के ऊपर सारा सामान रखा है। और ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। आज मैंने शुरुआत की है अपने भगवान जी से, तो चलते हैं मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए ये है अजवाइन, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बाबू ने पता है क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया और काफ़ी सारे अजवाइन आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी है। तो इसको सुखाने के लिए मैंने पंखे की हवा में इसको रख दिया है ऐसे थाली में करके, और देखती हूँ अगर ये सूख जाए अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतनी सारी बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसे काम करने लगा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये देखिए ये था आज हमारा सिंपल सा लंच, कढ़ी चावल। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कढ़ी चावल, तो आज सोचा कि कढ़ी चावल शेयर नहीं करती हूँ, कुछ और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं ये बना रही थी, मतलब जो गेट पे टांगने वाली, ये दरवाजे पे टांगने वाली होती है ना झालर, वही बना रही हूँ। जब बन जाएगी पूरी तब दिखाऊंगी, अभी तो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। तो देखिए मैं पट्टी बना रही थी ये ऊपर वाली, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्रोशिया से बनती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो जब भी खाली टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम अगर मिलता है, तो मैं ये बना लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से अच्छी लग रही है ना, और जब बनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए ये आम, और ये 3-4 दिन से आम रखे हुए हैं मेरे हस्बैंड, मैं बोलती हूँ खा लो, खाते नहीं हैं, तो मैंने आज 4-5 आम काट दिए हैं। तो ये देखिए मैं आपको दे रही थी यहाँ पे, तो अभी दूर से तो नहीं दे सकते, तो फिर मैं खुद ही खाने लगी। तो आम मीठा था, तो मैं आपसे बोल रही थी कि आम मीठे हैं, मैंने बात की है बट टीवी चल रहा था तो मैंने इसकी आवाज़ को कट कर दिया है। और आम अब काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए, पानी गर्म कर रही हूँ मैं इसमें। हमें क्या करने वाले बताती हूँ आगे। तो ये देखिए इसके अंदर डाल दिए मैंने ये नूडल, मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बोले बाहर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं घर में बना के खा लो। तो ये देखिए ये मैं इसको भी थोड़ा सा उबाल लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जो मेरे पास था उसी से मैंने बनाया है। तो ये देखिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं है, तो बाबू और मैं खाएंगे बस, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, जितनी हमें हम दोनों खा सकते हैं बस उतना ही मैं कर रही हूँ, ज़्यादा फालतू में बेकार जाए तो इतना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, इसको एक उबाल आने तक हम इसको बॉयल कर लेंगे, उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। ये देखिए, और खाने का काफ़ी मन भी हो रहा था चाउमीन ये सब, तो घर पे बना लेते हैं कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने ना इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था जैसे कि ये चिपके ना, तो बस थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। इसको अच्छे से मैं घुमा दूँगी ताकि सारे में ऑयल फैल जाए। ये देखिए, और हमारे नूडल जो हैं हो चुके हैं, उबल चुके हैं, तो मैं इनको उतार के ठंडे पानी से वॉश करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हो चुके हैं ना, है ना। और अब ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। तो कढ़ाई को मैंने कर लिया है वॉश, इसमें डाल दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, सरसों का ऑयल नहीं डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है। और ये देखिए मैंने ये हरी मिर्च और प्याज को कट करके रखा हुआ है, और बस इसी से बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, तो जो है उसी से बना रही हूँ। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने जो हरी मिर्च और प्याज कट करके रखे थे उनको डाल दिया है। और बाहर से आपको आवाज़ आ सकती है, बच्चे वगैरह सब खेल रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस तो बस प्याज और हरी मिर्च से बना रही हूँ, काफ़ी अच्छे बने थे। तो ये देखिए आप, अभी यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला डाला है इसके अंदर मैंने, और थोड़ी सी जो लाल सौंस होती है वो डाल दूँगी, ये मीठी वाली है, मेरे बापू को मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे भी हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और थोड़ी सी हरी चटनी डाल दूँगी, ये भी तीखी ही है तो ये भी कम डालूँगी मैं। तो ये देखिए थोड़ी सी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी बस। और
बस थोड़ा सा डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके अंदर नमक और कुछ भी नहीं डालूंगी, बन के हमारी चाउमीन रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए, और बस यही सामान था मेरे पास, इसी में मैंने बना लिया, खा लिया, हम इसी में खुश हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, दिखावा नहीं करूँगी कि ये भी था वो भी था, नहीं। देखिए नमक डाल दिया, अब नमक को मैं मिक्स कर दूँगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और अच्छा लग रहा है ना देखने में। हाँ खाने में भी गाइस काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था मैंने क्योंकि बाबू को भी खाना था। तो ये देखिए चाउमीन मैंने इसके अंदर डाल दी है, ये देखिए एकदम खिली खिली है ना। तो आप भी अगर उबालें तो ऑयल ज़रूर डालें और ठंडे पानी से ज़रूर वॉश करें, उससे क्या होता है कि चिपकती नहीं है एक साथ में और काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाती है। ये देखिए डाल दिए मैंने, मैं 2 चम्मच लेके इनको इस तरीके से मिक्स कर दूँगी, एक से नहीं हो पाती है ना, तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ ये देखिए। और कलर थोड़ा वाइट वाइट था क्योंकि हमारे पास सोया सॉस वगैरह ये नहीं था, तो कोई बात नहीं, मेरे बाबू इतना खुश हो गया चाउमीन देख के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि नहीं मिली ना काफ़ी दिनों से, और बच्चे ये चीज़ खाते रहते थे, तो घर पे बनाइए काफ़ी सेफ़ होता है घर पे। तो बस हमारे चाउमीन बन के हो गए हैं रेडी, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। चलिए प्लेट पर निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए प्लेट में मैंने निकाल लिया, ये देखिए ये है मेरे वाला और ये बाबू का। बाबू का जो चाउमीन है उसमें से मैंने हरी मिर्च निकाल दी है, नहीं तो उसके मुंह में जाती, वो रोने लगता। बाबू के प्लेट में मैंने सिर्फ लाल चटनी डाली है, अपने पे लाल और हरी दोनों डाली हैं। देखिए बाबू कितना खुश है, बहुत खुश है बाबू। और बाबू से भी मैंने यहाँ पे बात की, बट टीवी चल रहा था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए वहाँ पे बैठ के हम दोनों अभी खाएंगे चाउमीन, इंजॉय करेंगे। तो देखिए मैं बाबू को खिला रही थी, बट बाबू बोला नहीं मैं तो खुद ही से खा लूँगा, खुद हाथ से अपने। तो देखिए इधर कूलर रखा हुआ है तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं दिख रहा, क्या करें, छोटा सा रूम है, आप लोग देख सकते हैं कितनी जगह बचती है, इतनी सी जगह बचती है बस आने जाने के लिए, उसी में हमें सब कुछ करना होता है। तो ये मिर्च जो बच गई थी, एक मिर्ची दिखाई दी मुझे बाबू की प्लेट में, वो भी मैंने अपनी प्लेट में रख ली है। अब मैं भी खाना शुरू करती हूँ, और काफ़ी अच्छी लगी थी, सिंपल सी तरीके से बनाई और खाई, बस हम सिंपल लोग हैं। यहाँ मैं मेरे हस्बैंड को बोले लीजिए आप लोग भी खा लीजिए एक बाइट, पर उनको पसंद ही नहीं है, उन्होंने खाई ही नहीं। और बच्चे देखो कितना शोर हो रहा है, इस शोर के चलते हुए वीडियो आज मेरा लेट हो गया है, कोई बात नहीं इग्नोर कीजिएगा, क्या करें बच्चे हैं और बहुत सारे रहते हैं किराएदार, तो हो ही जाता है ऐसे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आज का आप लोगों को कैसा लगा, मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात नहीं कर पाई, मेरे सर में काफ़ी दर्द है, आंखें सूजी हुई हैं, तो आज मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए सो सॉरी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना मुझे कॉमेंट करके, वैसे तो आप लोग कॉमेंट करते ही हो अच्छे अच्छे ये भगवान देखो कितना शोर आ रहा है ना, बस इसी शोर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या करें, और चुप नहीं होते हैं जब रोने लगते हैं। तो चलिए गाइस मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।